देखा था ब्रीच के कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करेंगे। लॉगिन रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट कर लिया था। बाकी आज की क्लास में हम लोगों डिस्कस करना है मेल से रिलेटेड, मेल में कैसे हमें लारावेल में मेल कैसे सेंड किया जाता है, और अगर मेल सेंड करना है तो उस चीज़ के लिए हमें वो हो सकता है कि किसी का फीडबैक हो, मेल पर रिडायरेक्ट कराना हो, या फिर किसी का अपॉइंटमेंट लेटर हो, अपॉइंटमेंट किसी को लेना हो तो उसको भी अगर हमें फिर मेल पे रिडायरेक्ट कराना है, किसी भी तरीके का अगर हमारा डाटा है जो हमें मेल पे ही डायरेक्ट से सेंड करना है तो उस चीज़ के लिए हमें मेलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और मेलिंग के कॉन्सेप्ट के लिए या तो हमारे पास एक फॉर्म डिज़ाइन होगा, तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए मान लेते हैं एक फीडबैक का एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं रिसोर्स में और एक हम पेज बना लेते हैं फीडबैक का, और यहाँ पे हमने दे दिया फीडबैक डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, और फीडबैक ब्लेड डॉट पी एच पी हमने यहाँ पे बना लिया। इसमें हमें क्या करना है, एक बेसिक फॉर्म बना लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया फीडबैक, इसमें नॉर्मल मैं फॉर्म बना दे रहा हूँ। फॉर्म टैग हमने ले लिया, फॉर्म टैग के अंदर हमने मेथड लगा दिया, मेथड में हमने पोस्ट मेथड कर दिया, क्योंकि जब फॉर्म सबमिट करेंगे मैं पोस्ट मेथड के थ्रू करेंगे। और यहाँ पे राउट में मान लेते हैं हमारा एक राउट हम बनाएंगे जो अभी आगे फीडबैक का, जो एक्शन के सबमिट करने पे, या फिर इसको सेंड नोटिफिकेशंस का भी हम बना सकते हैं, जो भी हमें सेंड फीडबैक जो भी आपको बनाना रहेगा ये राउट बना सकते हैं। बाकी इसमें क्या क्या फील्ड लेना है वो आप जैसे लेबल ले लिए नेम का, इसमें हमने नेम दे दिया, और एक इनपुट ले लिया। इनपुट में हमने यहाँ पे नेम पास कर दिया, टी नेम, और इसी में हमने आईडी पास करना है तो आईडी भी दे सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे कर दिया और नेम ले लिया। इसी के साथ मैं एक और फील्ड ले लेता हूँ, नेम है, कॉन्टैक्ट है, मैसेज यहाँ पे डाल देता हूँ, नेम ईमेल डाल दे रहा हूँ, मैसेज डाल दे रहा हूँ, सामने वाले का नेम ईमेल और मैसेज। तो यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ कांटेक्ट की जगह पे, और यहाँ पे एक और मैसेज के लिए कि यूजर जो मैसेज टाइप करेगा वो मैसेज डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक बटन मैं ले ले रहा हूँ सबमिट के लिए, इनपुट टाइप सबमिट दे दिया, और इसकी वैल्यू मैंने दे दिया सेंड। इसका नेम देना है तो नेम भी दे सकते हैं। बाकी अगर हम फॉर्म बना रहे हैं तो इसमें एक CSRF टोकन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेथड पोस्ट के थ्रू करना है। CSRF टोकन हमने पास कर दिया, नेम हो गया। अच्छा, ये फॉर जो लगाया जाता है इसके आईडी के लिए होता है, तो आप आईडी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आईडी यूज करना है तो हमने सेम दे दिया, तो ये जो भी हम यहाँ पे देंगे वो सेम इधर भी देना रहेगा। लेबल और जो नेम बॉक्स होता है वो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे भी हमने आईडी दे दिया, आईडी में ईमेल सेम दे दिया, और यहाँ से भी हमने पास कर दिया ईमेल। यहाँ पे फिर से आईडी हमने पास किया MSV, और इधर भी हम क्या करेंगे MSV पास करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम चलेंगे इसका राउट बनाएंगे। राउट में पहले तो एक कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा, तो कंट्रोलर में मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ PHP आर्टिशन मेक,
कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया मेल नोटिफिकेशन, या फिर फीडबैक है तो फीडबैक कंट्रोलर दे दिया, फीडबैक कंट्रोलर। पीएचपी आर्टिशन में कंट्रोलर, फीडबैक कंट्रोलर। और इसके साथ साथ हमें राउट भी एक बनाना रहेगा, जो हमारे फीडबैक वाले फॉर्म को वहाँ पे डिस्प्ले कराने का काम करेगा। तो यहाँ से मैं एक राउट डिफाइन कर दे रहा हूँ, राउट गेट। और बेसिक राउट के लिए यहाँ पे हमने दे दिया फीडबैक, अगर फीडबैक कोई राउट पास करता है तो वो हमारा यहाँ से आ जाएगा। और इसमें हमें एक कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, और इस कंट्रोलर का नाम के साथ साथ उसके अंदर हमें फंक्शन भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलन क्लास कॉमा, और वो फंक्शन का नाम जो हमारा डिस्प्ले कराएगा हमारे फीडबैक वाले व्यू को। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स वाला फंक्शन दे दिया। चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, जो हमारा डिस्प्ले दिखाएगा जो अभी हमने फीडबैक फॉर्म डिज़ाइन किया है। तो कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, फीडबैक कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे एक इंडेक्स वाला फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा इंडेक्स। और ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा व्यू को, और व्यू में हमारा क्या हो जाएगा, हमारे ब्लेड फाइल का नाम हो जाएगा। ब्लेड फाइल का नाम हमने क्या दिया था, अगर हमें याद हो तो यहाँ से हमने फीडबैक के नाम से दिया था, तो हमने यहाँ से फीडबैक पास कर दिया। ये हमारा क्या करेगा, फॉर्म डिज़ाइन जो किया है वो डिस्प्ले कराने का काम करेगा। और अगर मेथड पोस्ट के थ्रू अगर हम बात करें, तो मेथड पोस्ट पे भी हम जाएंगे, तो वहाँ से हमारे पास ये सेंड फीडबैक जो हमने एक बनाया है, इसको भी हमें एक बनाना पड़ेगा राउट। तो इस राउट के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये मेथड पोस्ट के थ्रू होगा, राउट कॉलन गेट, और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से पास करना रहेगा। ये हमारा हो जाएगा, अच्छा यहाँ से ये फीडबैक का था, ये सेंड फीडबैक, ये मेथड पोस्ट के थ्रू हो जाएगा। इसमें भी हमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, और फंक्शंस का नाम जो भी रहेगा वो हम पास करेंगे यहाँ पे। पहले तो कंट्रोलर का नाम देंगे, फिर फंक्शन का नाम। यहाँ पे हमने दे दिया सेंड नोटिफिकेशन, ये हमारा सर आपने इसको गेट मेथड के थ्रू कर रखा है। हाँ, इसको हमें पोस्ट मेथड करना रहेगा, अगर हमने फॉर्म के थ्रू यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट मेथड रखा है तो हमें ध्यान देना है मेथड पोस्ट लगाना रहेगा। ये हमारा इसको, और भी एक चीज आपको ध्यान देना रहेगा, जो हमने कंट्रोलर बनाया है तो ये कंट्रोलर को आपको यूज भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे web.php के अंदर हमें इस नेम स्पेस को यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से नेम स्पेस को पास करेंगे और स्लैश लगाएंगे, और ये हमारा जो कंट्रोलर का नेम है फीडबैक कंट्रोलर, इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम पास करेंगे। इतना हमारा जो है रेडी करेंगे, इसमें सेमी कॉलन का एक मिसिंग दिखा रहा है, इसको भी हम करेंगे। यहाँ से आई थिंक दैट कुछ एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, ये जो एरर हमारा है, यहाँ से डबल कॉलन रहता है, डबल कॉलन हमने इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का फंक्शन है तो डबल कॉलन लगेगा यहाँ पे। और ये फंक्शन भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर, यहाँ से चलेंगे ये पब्लिक फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे बन जाएगा, और इसी के अंदर हम रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हमारे पास डाटा डिस्प्ले करके देखना है, तो एक बार पहले फॉर्म का डाटा डिस्प्ले करा करके देख लेंगे। तो मैं यहाँ से इको करता हूँ प्री टैग के साथ,
और यहाँ से प्रिंट आर करेंगे। ये प्रिंट आर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो डाटा डिस्प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए। तो डाला रिक्वेस्ट और यहाँ से हमने ऑल फंक्शन किया और ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। और यहीं पे हमने डाई करा दिया। तो पहले हम अपने राउट को चेक कर लेते हैं, हमारे राउट का डाटा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमने फीडबैक को क्या करना है, इस फीडबैक में जो डाटा हम फिल करेंगे उसको हमें मेल पे रिडायरेक्ट कराना है। तो पहले हमने फॉर्म रेडी कर रहे थे, तो एक बार मैं इसको रन करा देता हूँ, PHP आर्टिशन। अच्छा, इसमें डेटाबेस से रिलेटेड अगर हमें काम करना रहेगा तो हमें डेटाबेस पे का भी कॉन्फिगर करना रहेगा, क्योंकि हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन का कर रखा था पहले से इसमें। तो मैं जैम्प को ऑन कर देता हूँ एक बार, नहीं तो वो भी आपको एरर फेस करना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ से हमने डेटाबेस ऑन कर दिया MySQL का। अब हम यहाँ से कमांड लिखेंगे PHP आर्टिशन सर्व। PHP आर्टिशन सर्व करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से देखेंगे फीडबैक वाले राउट को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ से हमने फीडबैक को कॉल करते हैं। फीडबैक के कॉल करने पे हमारा ये फॉर्म की डिज़ाइन आ रही। बाकी डिज़ाइन तो हम बाद में देख लेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन काम करेगी। बाकी अभी नॉर्मल हमने यहाँ पे डाटा पास किया। और इसको सबमिट मेथड पे चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सेंड पे क्लिक किया, ये हमारा देखिए डाटा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। डैट मीन्स हमारा राउट अभी बेसिक क्लियर है। अब इसको हमें क्या करना है, मेल पे रिडायरेक्ट कराना है डाटा को। तो मेल पे भेजने के लिए हम इसमें कैसे करेंगे, एक बार इसका हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक मेल। इसको यहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, PHP आर्टिशन मेक मेल, यहाँ से हमें करना पड़ेगा PHP आर्टिशन। चाहे तो इसको बनाने से पहले आप यहाँ पे एक फाइल बनाना पड़ेगा हमें मेल से रिलेटेड। ये हमारा फोल्डर का नाम हो जाएगा, बाकी यहाँ पे हमारे पास वो फाइल का नाम देना रहेगा जिसमें भी हम मेल की डिज़ाइन को बनाएंगे। जो भी हम मेल भेजेंगे डाटा का मेल किसी आईडी पे, तो उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। जो अभी ये हमारा फाइल बनने जा रही है PHP की, बट इसको बनाने से पहले मैं env फाइल में चलता हूँ, पहले इसको मेल को कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। इसमें आपको मेल कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा। मेल कॉन्फ़िगरेशन में एक तो यहाँ पे आपको दिया है SMTP दिया है, आपको इसको एज इट इज रहने देना है। और यहाँ पे SMTP का होस्ट दिया है तो आपको देना है SMTP.vmail.com, SMTP.gmail.com। और पोर्ट नंबर यहाँ पे दिया जाता है 465। ये पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो दिया जाता है। बाकी आपको इसमें मेल आईडी डालनी होती है। तो मेरे पास मेल आईडी एक है पहले से इधर अगर देखें, बट इसका हमें पासवर्ड देखिए यहाँ पे डालना पड़ेगा। पासवर्ड आपको ध्यान देना रहेगा, पासवर्ड आप क्या डाल रहे हो। तो मैंने लॉगिन किया होगा इसमें जीमेल से, एक बार जीमेल ओपन कर लेता हूँ, gmail.com। जिस मेल आईडी को हमें कॉन्फ़िगर करना है, जिस मेल आईडी के थ्रू हमें मेल भेजना है, वो मेल आईडी हमारी यहाँ पे है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। मेल आईडी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस मेल आईडी को पास करेंगे और इसका पासवर्ड भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पासवर्ड उसको पास करेंगे। और इसमें एक इंक्रिप्शन है, आपको इंक्रिप्शन में SSL भी दे सकते हो, TLS भी दे सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे SSL पास करेंगे। और ईमेल एड्रेस में ये किस मेल एड्रेस पे आप भेज रहे हो वो भी यहाँ पे रहेगा। और ऐप नेम में आपका ये रहेगा जो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट दिया गया है लारावेल, ये आएगा ऐप नेम में। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने टेस्टिंग
फीडबैक हमने दे दिया, तो ये हमारा दिखाएगा कि आपने किसके थ्रू आपने मेल भेजा है या किसने भेजा है, जैसे जीमेल से आया है या टेकहब के थ्रू मेल आया है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया टेकहब, तो ये आपको दिखाएगा कि किसने मेल भेजा है, एप्लीकेशन का मतलब किसके थ्रू आपका मेल आया है। बाकी पासवर्ड यहाँ पे पास करना रहेगा, तो यहाँ पे पासवर्ड भी डालेंगे। फाइनली आप पासवर्ड यहाँ पे ENV वाले फाइल में डालने के बाद आपको यहाँ से आना रहेगा PHP आर्टिशन मेक मेल, आपको यहाँ पे किस नाम से फाइल बनाना है वो आप फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। फाइल में जैसे हमने यहाँ पे फीडबैक के नाम से ही बनाना है, तो आप फीडबैक ही कर दीजिए, और जैसे PHP आर्टिशन मेक मेल फीडबैक करेंगे तो आर्टिशन आर्टिशन की स्पेलिंग मिस हो गया यहाँ पे, आर्टिशन सर मेल की भी स्पेलिंग गलत ओके PHP आर्टिशन मेक मेल ओके। ये हमारा मेल क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा। देखिए जैसे आपका ये फाइल क्रिएट होगा, तो आपको यहाँ पे देखोगे ऐप के अंदर एक आपको मेल नाम का फोल्डर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हमारा फीडबैक यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें हमें कॉन्फ़िगर क्या-क्या करना रहेगा इसको समझेंगे, बट इससे पहले हमने जो डाटा हमने कंट्रोलर पे भेजा था उसको पहले हम प्रिपेयर्ड कर लेते हैं। क्या-क्या प्रिपेयर्ड करेंगे उसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें ये जो आपको दिया गया है इसी में आपको पहले कंट्रोलर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो मेल से रिलेटेड रहेगा, उसके बाद हम चलेंगे मेल वाले फाइल में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना रहेगा कि यूज करना पड़ता है कुछ नेम स्पेस, जैसे यहाँ पे सपोर्ट इल्यूमिनेट आपको रहेगा, ये फ्रेम रहेगा, कंट्रोल सी कर लिया कंट्रोल वी किया, और इसी के साथ में आपको एक पैकेज होता है जिसको आपको सपोर्ट यूज किया जाएगा, सपोर्ट बैकस्लैश फेडेक्स रहेगा, और इसके स्लैश में आपको मेल रहेगा। कभी कभी हम लोग यूज मेल भी डायरेक्ट यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमें ये वाला पैकेज यूज करेंगे मेल, और उसके बाद यहाँ पे उस फाइल को यहाँ पे हम यूज करेंगे जो अभी अभी हमने ऐप वाले में बनाया था। ऐप मेल मेल के अंदर हमने कौन सा बनाया था, फीडबैक, तो हमने यहाँ से मेल वाला हमारा ये पैकेज हो जाएगा मेल और फीडबैक। ये वो वाली फाइल है जो अभी अभी हमने PHP आर्टिशन में एक मेल फीडबैक बनाया था, ये वाली फाइल है। यहाँ से इतना हमें इम्पोर्ट यूज करना पड़ेगा नेम स्पेस को, देन इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे मेल की प्रिपरेशन प्रिपेयर करेंगे, कैसे मेल भेजेंगे। यहाँ से हम जो डाटा मिल रहा था इसको अभी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, इतना नॉर्मल। अभी हम यहाँ से पहले रेडी करते हैं एक वेरिएबल डॉलर डिटेल्स, डिटेल्स का एक एरे बनाएंगे, इस एरे में हम टाइटल सेट करेंगे, टाइटल, और टाइटल की वैल्यू हम पास करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट मेल अगर हमने दे दिया तो हमने दे दिया फर्स्ट मेल, बाकी इसका बॉडी पार्ट देना रहेगा तो बॉडी पार्ट भी देंगे। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट मेल टाइटल हो गया, देन कॉमा करेंगे, बॉडी देना है तो बॉडी। अभी हम फॉर्म से भी डेटा लेंगे, फॉर्म से भी डेटा को हम यहाँ से पास कराएंगे, बट अभी नॉर्मल हमने यहाँ पे हेलो दिस इज मेल, हाँ सर ये हमारा डिटेल हो जाएगा। बाकी इसमें हमें क्या करना है, मेल एक फंक्शन होता है, मेल फंक्शन को लगाएंगे, और यहाँ पे फीडबैक
टू में पास करेंगे जिस मेल आईडी पे हमें भेजना है। जैसे यहाँ पे हमने अपनी जो भी रिसीवर मेल आईडी होगी, जिसको भी हमें मेल भेजना होगा, उसकी मेल आईडी यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। अभी नॉर्मल के लिए मैं अपनी मेल आईडी जैसे यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, lynsanarsings@gmail.com। और उसके बाद फिर यहाँ से हम एरो फंक्शन लगाएंगे और सेंड फंक्शंस को यूज करेंगे। और सेंड फंक्शंस में हम पास करेंगे जो भी हमने मेल फीडबैक यहाँ पे जो हमने बनाया थी क्लास, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे। और न्यू फीडबैक जो भी हमारा क्लास का नाम होगा, न्यू फीडबैक, और इसी के अंदर हम वो डाटा भी पास करेंगे जो हमने यहाँ पे रिसीव किया था, डिटेल्स जो हमने क्रिएट किया है उसी में हम इसको भी पास करेंगे। और यहाँ पे आपको मैसेज में अगर हमें रिटर्न कराना है तो यहाँ पे मैसेज में रिटर्न करा सकते हो। वैसे यहाँ पे रिटर्न रिटर्न अगर हमें कोई मैसेज देना है तो हमने बेसिक मेल फंक्शन। अब ये जो हमने यहाँ पे फीडबैक वाली जो हमने क्लास बनाई थी, इसमें भी हमें कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, ये वेरिएबल्स जो एक्चुअली में ये हमारा डिज़ाइन रहेगा जो मेल पे भेजा जाएगा, तो हम उस डिज़ाइन को यहाँ पे हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, और चलते हैं हमारे पास फीडबैक वाले क्लास पे। तो फीडबैक वाले क्लास पे चलेंगे। फीडबैक क्लास में हमें यहाँ पे एक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे। और यहाँ से हमने एक बना दिया पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक, और ये वेरिएबल्स जो हमने वहाँ पे लिया था ये डिक्लेयर कर दिया, और इसी को कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। और ये जो कंस्ट्रक्टर में एक्चुअली में जो हमने यहाँ से जब हमने इसमें पास किया था यहाँ से कंट्रोलर के अंदर से अगर याद हो, तो यहाँ से हमने कंस्ट्रक्टर के तौर पे ये डिटेल्स हमने पास कराई थी। इसी कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को हम यहाँ से रिसीव करेंगे इसमें, और फिर इसको दिस वेरिएबल्स के साथ, इस वाले वेरिएबल्स को हम इसके थ्रू इनिशलाइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस रिटर्न डॉलर दिस, और इसी में हमें डॉलर दिस इज डिटेल्स हो जाएगा हमारे पास, और इज इक्वल टू में हम यहाँ पे डिटेल्स इज इक्वल टू डिटेल। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे हम पास कर रहे थे कंट्रोलर में से, उसको यहाँ पे रिसीव करेंगे और इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। और देन फाइनली इसको हम यहाँ से बिल्ड कराएंगे। बिल्ड फंक्शंस में हमें यहाँ पे मेल का सब्जेक्ट क्या देना है वो पास करेंगे, मेल का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम यहाँ से देंगे, और सब्जेक्ट में जो भी हमें सब्जेक्ट पास आउट करना रहेगा वो सब्जेक्ट देंगे। बाकी हमारा ये व्यू होता है, व्यू में डिज़ाइन सेट करते हैं कि हमारे मेल की डिज़ाइन कैसी रहेगी। तो मैं यहाँ से सब्जेक्ट पास कर देता हूँ। सब्जेक्ट में जैसे हमने यहाँ पे टेस्टिंग मेल लिख दिया, टेस्टिंग मेल, और ये हमारी हो जाएगी डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो डिज़ाइन हमने व्यू वाला जो रिसोर्स वाले हमारा फोल्डर होता है, रिसोर्स फोल्डर में एक हमें यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं मेल नाम से, और इस मेल वाले फोल्डर्स में एक फाइल बनाएंगे। फाइल्स में फाइल का नाम हम यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया टेस्ट मेल डॉट ब्लेड, तो हमने दे दिया टेस्ट मेल डॉट ब्लेड डॉट php। इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे, और ये वाले डिज़ाइन को हम यहाँ पे उसके मेल आईडी पे भेजेंगे। तो यहाँ से हमें ये व्यू में पास करना रहेगा। क्या पास करेंगे,
व्यू की जगह पे हम मेल पास करेंगे, जो अभी हमने फोल्डर बनाया था यहाँ पे रिसोर्स के अंदर ये, और फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद हमें यहाँ पे उस टेस्ट मेल वाले का ब्लेड वाले फाइल का नाम डालेंगे, तो यहाँ पे टेस्ट मेल, ये हमारे ब्लेड का फाइल का नाम है व्यू का, टेस्ट मेल। अब इसके बाद हम फाइनली यहाँ पे डिज़ाइन को एक्सेस करेंगे, दैट मीन्स डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल HTML का सेंटेक्स यहाँ पे बना दिया, बाकी यहाँ पे टाइटल देना है तो टाइटल हम दे सकते हैं मेल टेस्टिंग इन लारावेल वाया सस्टेनेबल। इसके अंदर हेडिंग्स हम लगाएंगे, जो हमारे मेल का ये जो फॉर्मेट होगा वो यहाँ से हम डिज़ाइन करेंगे। हमने एक हेडिंग बनाते हैं, इसमें H1 लिखा और H1 के अंदर हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ से हमने जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया था उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने लिखा डॉलर डिटेल्स, ब्रैकेट में पास किया टाइटल TITLE, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। और इसी में हमें पैराग्राफ लिखना है तो हमें पैराग्राफ बना देना है, पैराग्राफ में हमें उसकी डिटेल्स का पास आउट करना है, तो यहाँ से हमने पास कर दिया पैराग्राफ में, बॉडी को पास कर देंगे, बॉडी दे दिया, तो ये हमारा टाइटल हो जाएगा, ये हमारा बॉडी हो जाएगा। टाइटल और बॉडी जो हम लोगों ने कंट्रोलर में पास किया था, सेट किया था, उसी को यहाँ पे दिया है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ और भी देना है तो आप डिज़ाइन में दे सकते हो, या रिगार्ड्स लिखना है तो रिगार्ड्स हमने दे दिया। जो भी नेम देना है इसको हम सेव करेंगे। ये जो डिजाइन होगी एक्चुअली हमारे पे मेल पे जाएगी, मेल का फॉर्मेट जो होता है वो हम यहाँ से सेट करते हैं, और इस मेल के फॉर्मेट को हमने रिसोर्सेस में ब्लेड वाली फाइल में बनाया है, और इसी फॉर्मेट को हमने यहाँ से जो मेल वाला हमने PHP आर्टिशन में एक मेल किया था फीडबैक, उसी में हमने यहाँ से टाइटल सेट किया है और यहाँ से व्यू इसका सेट किया है। और ये जो हमारा डिटेल्स जो हमने यहाँ पे रिसीव किया है, इसी डिटेल्स को हमने अपने ब्लेड वाले फाइल में हमने क्या किया है, यहाँ से ब्लेड वाले फाइल में हमने इसका फॉर्मेट सेट किया है उसके डाटा के थ्रू। तो यहाँ पे डाटा हम सेंड कर रहे हैं, बट अभी हम वहाँ पे कंट्रोलर में रिसीव नहीं कर रहे हैं, सॉरी कंट्रोलर में रिसीव तो कर रहे हैं बट उसको हमने अभी फॉर्मेट में सेट नहीं किया है, अभी हम लोग फिक्स डाटा भेज रहे हैं। तो फिक्स डाटा को अभी हम अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे हमारा डाटा तो आ रहा है बट इसको हम यहाँ पे देखिए यहीं पे कमेंट कर दिए हैं, यहाँ से हमने फिक्स, यहाँ से हमने टाइटल भेज रहे हैं, बॉडी भेज रहे हैं, और किस मेल पे भेज रहे हैं, ये मेल आईडी है, और ये हमारा कौन से मेल से जाएगा वो हमने यहाँ पे जो हमने PHP आर्टिशन में एक मेल किया था इस वाले क्लास में जाएगा, और यहाँ पे हमने पास किया है इसका डिज़ाइन भी, और इसके लिए हमने कौन सी मेल आईडी पे भेज की, कौन सी मेल आईडी सर्वर से भेजना है इसको हमने .env वाले में देख लिया है। बाकी यहाँ पे ये हमने दो लाइन्स हमें लिखना रहेगा, कंपलसरी होगा, जिसमें ये हमारा PHP आर्टिशन मेक मेलर जो हम करते हैं उसका, ये हमें लाइब्रेरी लेने के लिए नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा, और ये जो हमने ऐप फोल्डर के अंदर, मेल फोल्डर के अंदर जो हमने ये फीडबैक हमारी क्लास है इसको यूज करने के लिए हमें इसका नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस फीडबैक का, तो इसका पाथ होना चाहिए, तो इस पाथ के लिए हमने यहाँ पे नेम स्पेस यूज किया है। बाकी इतना सा नॉर्मल सेटिंग रहेगा, एक बार इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं और इसको चेक करते हैं। ये हमारा मेल ट्रांसफर होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है, तो एक बार इसको हम सेंड फीडबैक यहाँ से हटाते हैं, नॉर्मल फीडबैक वाला फॉर्म ओपन करते हैं और वहाँ से हम क्या करेंगे उसको रन कराएंगे। हमने यहाँ से फीडबैक को कॉल किया और फीडबैक को कॉल करने के बाद यहाँ से हमने डेटा डाला और ये मेल आईडी हमने डाला। ये मेल आईडी पे अभी नहीं जाएगा, ये रैंडम कोई भी मेल आईडी हो सकती है क्योंकि हमने वहाँ पे फिक्स मेल आईडी कर रखा है। तो इसको चेक करते हैं। अभी ये हमारा bindnursing@gmail.com पे जाएगा, बट यहाँ पे हमने क्योंकि हमने बैकग्राउंड में जो हार्ड कोड लिख रखा है इसी की वजह से ये फिक्स मेल आईडी पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा फिक्स हार्ड कोडेड है, इसी पे जाएगा। वहाँ पे मेल आईडी कुछ भी डालें क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स हार्ड कोड लिख रखा है। तो एक बार इसको देखते हैं, यहाँ से कुछ यहाँ पे बोल रहा है मेल नॉट फाउंड, इसका एरर चेक करते हैं एक बार। अरे इसमें आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो एक बार चलते हैं कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक हुई है पैकेज का, इसमें FAC होना चाहिए था, FACADES ये होना चाहिए था, बाय मिस्टेक ई हो गया था। इसको सेव करते हैं और फिर से रन कराते हैं और यहाँ से फीडबैक को फिर से हम कॉल करेंगे फीडबैक, और यहाँ से कोई भी नेम डाला, यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डाला और यहाँ से मैसेज कुछ भी डाला और सेंड पे क्लिक करते हैं। फिर से चेक करते हैं, अगर होपफुली सही रहेगा तो पूरा। इसमें बोल रहा है टेस्ट मेल नॉट फाउंड, एक बार फिर से चेक करते हैं क्या एरर है इसमें। अच्छा यहाँ पे व्यू में इसको मिल नहीं रहा है, ये कह रहा है कि मेल डॉट टेस्ट मेल नॉट फाउंड, मीन्स ये आपका व्यू में मिल नहीं रहा है। तो इसको एक बार चेक करते हैं, हमने जो बनाया है मेल वाला जो पाथ यहाँ पे दिया मेल डॉट टेस्ट मेल, ये व्यू के अंदर होना चाहिए, बट ये हमारा डायरेक्ट रिसोर्स के अंदर है। तो इसको हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है व्यू के अंदर और इसको मूव करेंगे। तो यहाँ पे ये हमेशा ध्यान देना है, हमें व्यू के अंदर है, फोल्डर बनाते टाइम बाय मिस्टेक ये बाहर हो गया था व्यू के, इसलिए इसको यहाँ पे ये मिल नहीं रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे व्यू के अंदर हम सर्च कर रहे हैं मेल डॉट टेस्ट मेल, इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि ये इसको मिल नहीं रहा था। तो अभी हमने मूव कर लिया है, तो एक बार चाहे तो इसके कैसे क्लियर करना है तो आप कैसे भी क्लियर कर सकते हो PHP आर्टिशन कॉन्फिग करके। तो यहाँ से मैं पहले कैसे एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर से रन कराता हूँ PHP आर्टिशन कॉन्फिग, और यहाँ पे कैसे PHP आर्टिशन कॉन्फिग कैसे करेंगे, और यहाँ से फिर से इसको रन कराएंगे। हमारे पास जो प्रोजेक्ट रन कर रहा है इसको हम फिर से PHP आर्टिशन सर्व करेंगे दोबारा, और फिर से इसको हम यहाँ से चलते हैं और फीडबैक को हम क्या करेंगे कॉल करेंगे। फीडबैक को कॉल किया, फिर से यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक दैट वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ टाइम मिस हो गया था इसलिए एरर आ रहा था। इसको फिर से हम इसको सेंड करेंगे, देखते हैं अभी होपफुली ये चल जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और इसको यहाँ पे देखिए बेसिक मेल फंक्शंस यहाँ पे चल चुका है, इसको हम चलेंगे अब अपनी मेल आईडी पे चेक करेंगे। मेल आईडी हमने दिया था बिन नर्सिंग करके था, तो इस मेल आईडी पे हम चलेंगे, यहाँ से स्विच करेंगे। अगर इसमें वो मेल आईडी लॉगिन नहीं है जिससे हमने किया था, तो इसको मैं ये वाली मेल आईडी पे करता हूँ। दोबारा से भी मेल सेंड करते हैं क्योंकि वो मेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन नहीं है, तो यहाँ से हम डेली क्रॉस चेकिंग नहीं कर पाएंगे।
टेकहब सपोर्ट करके एक मेल आईडी है, हम इस पे मेल सेंड करेंगे। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कोड में चलते हैं। कोड में जहाँ पे हमने मेल सेंड किया था कंट्रोलर के अंदर, ये हम मेल आईडी यहाँ से चेंज कर देंगे। लॉगिन नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे मेल चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि क्रॉस चेकिंग नहीं कर पा रहे थे और ये बेसिक मेल फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा था, सेंड सक्सेसफुली आ गया था। इसको मैंने सेव किया और फिर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से फीडबैक वाले पे चलते हैं। हमने दिया फीडबैक और फिर से यहाँ से हमने कोई भी नेम डाला, ईमेल कुछ भी डाला और मैसेज जो देना था वो दिया। अभी हमारा मैसेज और सारा कुछ फिक्स है बैकग्राउंड में, यहाँ से केवल हम पोस्ट मेथड के थ्रू रिडायरेक्ट करा रहे हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं, इसकी मेल आईडी को चेक करते हैं जो हमने मेल आईडी उसमें पास किया था। यहाँ पे हमें मेल रिसीव होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मेल रिसीव हो चुका है, टेस्टिंग मेल। और यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन पास किया था, जैसे देखिए फर्स्ट फर्स्ट मेल था ये हेडिंग में था, फिर उसके बाद पैराग्राफ में था, फिर रिगार्ड्स हमने दिया था टेकअप। तो ये जो डिज़ाइन हमने बनाई थी वो डिज़ाइन हमने टेस्ट मेल ब्लेड में बनाई थी। ये हमारा फर्स्ट हेडिंग में दिया गया था और ये पैराग्राफ में दिया गया था, ये हमारा हेडिंग थ्री में दिया गया था। इसी डिज़ाइन को हमने क्या किया था, यहाँ पे पास करवाया था बिल्ड फंक्शन के अंदर। और ये हमारी क्लास जो बनाई गई थी पीएचपी आर्टिशन मेक मेल के नाम से बनाई गई थी क्लास, और इस क्लास को हमने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना करके पास किया था। अब इसी में अगर जैसे हमें टाइटल्स जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो टाइटल की जगह पे हमें नेम भी उसका उठाना है, तो इसी में हम यहाँ पे नेम भी पास कर सकते हैं। नेम कैसे पास होगा, ये हमारा डाटा यहाँ पे आ रहा है, तो डॉलर रिक्वेस्ट, इसमें से हमें नेम उठाना रहेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट और इसी में से नेम यहाँ से उठाएंगे और इसी में कॉन्केटिनेट कर देंगे। तो हमने डिज़ाइन वाले में देखेंगे फीडबैक के ब्लेड में, यहाँ पे हमने टी नेम दिया था, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका नेम यहाँ से टी नेम पास करेंगे। इसी में हमारा ये हो जाएगा, टाइटल के साथ नेम जाएगा और यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। बॉडी में आपको जो दिया गया है वो अगर आपको सेंड करना है, तो वो बॉडी में हमने यहाँ पे एमएसजी के नाम से है, तो बॉडी में हम यहाँ से इसी में भेजना है, तो डॉलर रिक्वेस्ट ब्रैकेट में यहाँ से हम क्या करेंगे, एमएसजी पास करेंगे, एमएसजी, और यहाँ से हम इसको प्लस, और इसमें डॉट लगेगा क्योंकि पीएचपी में डॉट लगता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। जो भी वहाँ से मैसेज आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब किसके पास भेजना है वो चीज़ें अगर हमें पास करना है, तो यहाँ पे हम मेल आईडी जो हम वहाँ से पास कर रहे थे वो मेल आईडी हम ऐसे डॉलर रिक्वेस्ट और यहाँ से हम पास करेंगे इसके नेम के अकॉर्डिंग। तो नेम हमने यहाँ पे दे रखा था ईमेल, तो हम यहाँ से पास करेंगे ईमेल, तो हमने यहाँ से दे दिया ईमेल। तो इस मेल आईडी पे हमारा क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। अब जो है हमारा जो इनपुट जो हमने फॉर्म डिजाइन किया था वो हमारा फॉर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसमें सब्जेक्ट दैट वन इज द जो हमने यहाँ पे डिजाइन में दे रखा है, इसको हम यहाँ पे नेम की जगह पे हम यहाँ पे सब्जेक्ट दे सकते हैं, या फिर नेम देना है तो नेम भी दे सकते हैं, या सब्जेक्ट वगैरह जो भी आपको मेल का फॉर्मेट रहेगा वो आप डिजाइन कर सकते हो। बाकी आपको डेटा कैसे रिसीव करेंगे, कैसे हम मेल में पास करेंगे, कुछ इसी तरीके से पास करेंगे। इसको हम सेव करके फिर से रन कराते हैं और अब चेक करेंगे कि हमने जो फिल किया था वही एग्जैक्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो हम यहाँ से फीडबैक को कॉल करेंगे। फीडबैक में जैसे यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे अमित दिया, अमित कुमार,
ये टाइटल इनके साथ जाएगा। और ईमेल में अब हमारा ये ईमेल जो लॉगिन है, मैं इसमें ये वाला मेल हमारा लॉगिन है तो मैं इस पे भेजूंगा। मैसेज में यहाँ पे दे दिया हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, और देन इसको हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेटा वहाँ पे सक्सेसफुली सेंड कर देगा। अब यहाँ से हम इसको चेकअप वाले मेल आईडी से हम चलते हैं इस नर्सिंग वाले मेल आईडी पे, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए ये मेल आईडी हमारा टेस्टिंग मेल आ चुका है। और चेकअप के थ्रू इसमें आप देखोगे अमित कुमार फर्स्ट मेल और हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, और यहाँ पे ये हेलो दिस इज मेल वाया करके है और रिगार्ड चेकअप, ये आपको मिल जाएगा। तो डेटा हमें कैसे लेंगे और कैसे ट्रांसफर करेंगे, कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे मेल कॉन्फिगर सेट करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी लारावेल में बहुत सारी चीज़ें पहले से होती हैं जिसको स्विफ्ट मेलर बोलते हैं। स्विफ्ट मेलर पैकेज के थ्रू ये आप या एसएमटीपी के थ्रू ये मेल कैसे सेंड होता है, कुछ इसी तरीके से हम लारावेल में एसएमटीपी के थ्रू मेल सेंड करेंगे। मेनली आपको पहले कंट्रोलर बनाना होगा, कंट्रोलर में डेटा रिसीव करना होगा और फिर उस डेटा को इस मेल टू के थ्रू हमें भेजना रहेगा। और जिसके लिए हमें पीएचपी आर्टिशन मेक मेल करना पड़ेगा जहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हम बना के यहाँ से पास कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट में हम डिज़ाइन पास कर रहे हैं जो डिज़ाइन हम रिसोर्स के अंदर बनाते हैं उसके लिए। तो आप डायरेक्ट रिसोर्स के अंदर बनाएंगे तो आपको ये फोल्डर का नाम नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप किसी फोल्डर व्यू फोल्डर रिसोर्स के अंदर व्यू फोल्डर के अंदर कोई और सब फोल्डर है तो आपको फोल्डर का नाम पास करना पड़ेगा। बाकी हमने ईएनवी में कॉन्फ़िगरेशन देखा था, वो कॉन्फ़िगरेशन हमें पास करना पड़ेगा तभी जा करके हम उसको मेल कर पाएंगे। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि इसमें जो मेल में लिख के आ रहा है कि हमारा किसके थ्रू मेल आया है, जैसे यहाँ पे टेकअप लिख के आ रहा है, अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे देखिए मेल आईडी भी हमें दिखा रहा है कि किस मेल आईडी से हमारा आया है मेल, तो ये सारा कुछ अगर हम देखें कहाँ से ये सारी चीज़ें सेट हो रही हैं तो उसके लिए हमें ईएनवी फाइल में चलना पड़ेगा। ईएनवी फाइल में वहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे वो नेम अगर हम देखेंगे तो ये ऐप नेम जो हमने दिया है इसी ऐप नेम को मैं यहाँ से पास किया हूँ जो हमारे मेल में दिखा रहा था यहाँ पे ये नेम, तो ये नेम हमारा ऐप नेम से ले रहा है। और ये ऐप नेम हमने पास कहाँ पे किया है, यहाँ पे पास किया है डॉलर ऐप नेम, मेल फ्रॉम नेम दिया गया है इसमें हमने ये, आप यहाँ पे कुछ भी आप मैन्युअली पास कर सकते हो अगर आपके वेरिएबल के थ्रू नहीं है तो। बाकी यहाँ पे स्टार स्टार की जगह पे आपके मेल आईडी का पासवर्ड रहेगा, वो अपनी मेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे डालोगे। बाकी ये पोर्ट नंबर ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ से करना रहेगा, बस इतनी सी चीज़ें होती हैं और दैट्स इट।